स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स काउंटिंग 81 टू 100। हम लोगों ने 80 तक काउंटिंग लिखी है और आज हम लोग 81 से काउंटिंग को देखेंगे। तो देखिए 81 टू 100 आपको दो पेजेस में ये जो काउंटिंग है वो कंप्लीट करनी है। मैं आपको यही वन पेज में ही बताऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एट टू एट टू, मैंने आपको बताया था एट कैसे लिखना है आपको। देखिए एट थ्री, एट फोर, एट फाइव, एट सिक्स, एट सेवन, ठीक है, एट एट, समझ आ रहा है आपको, एट नाइन। अब क्या लिखना है आपको, 90। ये जो शॉर्ट लाइन है ना बेटा, ये मेरे से वन बॉक्स मानते हैं, तो आप वन बॉक्स तो छोड़ के लिखो, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने जो सेकंड बॉक्स है वो बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ है। तो देखिए एक बार रिपीट करते हैं, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90। अब ये क्या करना है आपको, सो वन टाइम, टू टाइम और थ्री टाइम आपको इसको रिपीट करना है, ठीक है। अब क्या लिखना है, यहाँ कौन सी लाइन है, 90, 90। तो कौन से ऊपर को क्या स्टार्ट होगा, 91, 91, 92, 92, ओके, 93, 93, 93, 93, 94, 94, ठीक है, दिखाई दे रहा आपको, 95, 95, बॉक्स से टच नहीं हुआ है, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99। अब क्या लिखना है आपको, 100। हम क्या करेंगे, जो 9 है उनके नीचे जीरो लिखेंगे पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हमने 10 लिखा था, मैंने आपको बताया था 9 के नीचे हम लोग जीरो लिखते हैं। तो 1 जो है वो साइड में आ जाएगा, 100, ओके। तो देखिए 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, और 100, 100। तो हम इसे अब स्पीडली हम करते हैं, स्पीडली हम लोग पढ़ लेते हैं। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, और लास्ट में क्या है आपका, 100। तो ये जो काउंटिंग है बेटा वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इससे आपको अपनी फेयर कॉपी में ही लिखना है, इधर उधर किसी कॉपी में नहीं लिखे, क्योंकि आपकी जो कॉपीज हैं वो चेकिंग के लिए मंगवाई जाएंगी, ठीक है। और ये जो वर्क है वो आपको बिना इरेजर लगाए हुए लिखना है। कोशिश करें आप लोग कि आप इसे बोल बोल कर अपनी कॉपी में लिखें। ओके, थैंक यू।